पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने अपना पहला पदक जीतकर शानदार शुरुआत की है। इस मेगा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की शुरुआत 26 जुलाई को भारत के पवेलियन के उद्घाटन के साथ हुई। इसे इंडिया हाउस नाम दिया गया, जिसे रिलायंस फाउंडेशन द्वारा प्रेजेंट किया गया है, और इसके उद्घाटन समारोह में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी दोनों मौजूद रहे। वहीं इसी दिन का एक और खास वीडियो सामने आया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां उन्हें विजिटर के साथ भांगड़ा करते देखा जा सकता है। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन और संस्थापक को सुलबीर के मशहूर ट्रैक गर्ल बन गई और देवी श्री गणेश देवा पर थिरकते हुए देखा जा सकता है। नीता अंबानी उन मेहमानों से घिरी हुई थी, जिन्हें भारत का उत्साह वर्धन करने के लिए आमंत्रित किया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीता अंबानी को दिल खोलकर भांगड़ा करते देखा गया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में नीता अंबानी पिंक साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही है। साथ ही नीता अंबानी, जो खेल प्रशासक और ICO सदस्य भी हैं, उन्होंने लव विलेट में इंडिया हाउस के उद्घाटन के दौरान PTI से बात की और आश्वासन दिया कि भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहा है। श्रीमती अंबानी ने कहा, हमारे एथलीटों में 47% लड़कियां हैं, ये सब महिला शक्ति और हमारे युवा लड़के और लड़कियों के लिए सीख होती है कि कोई किसी से कम नहीं, बस खुद पर विश्वास होना चाहिए। शूटर मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में इतिहास रच दिया। मनु ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धों में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। पेरिस ओलंपिक में भारत का ये पहला मेडल है। मनु करियर के दूसरे ओलंपिक में पदक जीतने में सफल रही। बता दें कि भारत की ओर से इस बार कुल 117 एथलीट ओलंपिक में हिस्सा ले चुके हैं। 100 न्यूज की रिपोर्ट।